कासगंज में पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी कर मंगलवार को एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल सहावर थाना इलाके में बाजनगर के निकट गन्ने के खेत में एक अवैध हथियार फैक्ट्री चल रही थी। एसपी ने बताया कि उन्हें अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसओजी टीम ने मंगलवार को इस अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने मौके से अवैध हथियार समेत हथियारों को बनाने का सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही में अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए मेरे द्वारा टीमों का कुछ गठन किया गया है और अवैध शस्त्र इलिसिट लिकर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसमें थाना सहावर की टीम ने एसओजी टीम के साथ मिलकर एक फैक्ट्री का अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ यहाँ पे किया है, जिसमें से लगभग 10 बने हुए शस्त्र इसमें बरामद हुए हैं। एक राइफल इसमें बरामद हुई है, कुछ पोनिया इसमें बरामद हुई है। दो लोगों को गिरफ्तार करने में टीम को सफलता प्राप्त हुई है। एक का नाम रोहिताश पुत्र श्रीपाल सिंह रहने वाला बदायूं का है और दूसरा रामोतार पुत्र राजाराम रहने वाला एटा का है। ये फैक्ट्री ये लोग सहावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल एरिया में संचालित जो है वो कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इन लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।